टाइम से बोल रहे थे कि दी मेरा कमेंट और मेरा नाम अपनी वीडियो में लो, अब मैं भूल गई थी तो उसके लिए सॉरी। और कल्पना जी, बाप खुश हो मैंने आपका नाम और आपका कमेंट भी शो कर दिया है। और अगर मुझे नाम बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं स्कूल में दोपहर तक ही पढ़ी हूँ। एनीवे ये जोक था। हेलो आर्मी, अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो मैं अपने पुराने चैनल का लिंक दे दूंगी, देख लेना। और आर्मी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर देती हो पर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करती हो। प्लीज़ यार, बेल आइकन को प्रेस किया करो। आप जैसे कि देख सकते हो इतनी सारी आर्मीज में सिर्फ 300 कुछ लोगों को ही नोटिफिकेशन जा रहा है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसी वॉइस पर ही बनाऊँगी। मुझे पता है इस वॉइस में आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं फिर ऐसे ही बनाऊंगी। ये आपकी पनिशमेंट होगी नेक्स्ट वीडियो में। चुप हो जाओ, रो मत। ते, तुम ठीक हो ना? लगता आप दोनों ने बहुत ही दिल से गाना गाया है और इसकी वजह से हमारी सारी ऑडियंस इमोशनल हो गई है। सो विनर अनाउंस करने की क्या जरूरत है? फिर भी जानकारी के लिए बता देते हैं, आज के विनर है मिस्टर जॉन जंगकुक और मिसेस जून। ते प्लीज प्लीज़ मत रो, लगता आपकी दोस्त काफ़ी इमोशनल हो गई है। हाँ कुछ ऐसा ही है। ते तुम ठीक हो ना? कब से रोई जा रही हो? आपने मुझे टच कैसे किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे आपकी फ्रेंड को क्या हो गया? वो आपसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ अच्छा, अपना गिफ्ट तो लेकर जाइए। नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ इसे गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा, हम लोग जाते हैं। ते रुको, ते ते मैंने मेरी बात सुनो, रुको तुम। मैं लगा रहा हूँ तुम्हें, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम? और वहाँ से तुम इतने गुस्से में क्यों आ गई? एक मिनट, तुम रो रही हो? क्या हो गया ते, फिर तुम फिर से क्यों रो रही हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ आप हो मेरी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी हो मेरी। ते क्या बात कर रही हो, क्या हुआ बताओ? मेरे लिए नहीं तो हमारे बेबी के लिए? सही, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहो ताकि देखो भी खुश रहे। हम दोनों बाप बेटा तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं और तुम आगे आगे भागे जा रही हो। देखो बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है। क्या ज़रूरत थी हम दोनों को यहाँ पर लाने की? क्या ज़रूरत थी? अरे भाई वो मेरा बच्चा है, तो मैं क्या उसके साथ पिकनिक पर भी नहीं आ सकता हूँ? अब बारिश हो रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेकर? ते तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। देखो वो सामने कोई होटल है, वहाँ पर चलते हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। नहीं आंटी, बेटा तुम आ गई ऑफिस से? हाँ आंटी मैं आ गई। ते आ गई या नहीं? और देखो कहा है मुझे मिल नहीं रहा है, मैं देखो को बहुत मिस कर रही थी आज। कहाँ पर है आंटी? बेटा ते तो अभी घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गई वो? वो घर से बाहर गई है एक्चुअली अपने किसी दोस्त के साथ मिलने के लिए। और देखो कहा है उसका दोस्त देखो को लेकर गया, बोल रहा था कि वो देखो दे देगा। आंटी जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ते ने जून के अलावा किसी से नहीं बोला था कि वो आज बाहर जाएगी। वो बेटा आज जो सुबह लड़का आया था ना हमारे घर में, वो आया था, वो देखो को लेकर गया था और बोला था कि देखो लेकर कहीं घूमने के लिए जा रहा है वो। आंटी आपने आपने उसको देखो कैसे दे दिया? और ते उसके साथ है, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा वो उसका दोस्त है, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? आंटी आपको कुछ नहीं पता है। क्या नहीं पता है मुझे? आंटी ये वही लड़का जिसने देखो प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, ते इसी के बच्चे की माँ है। क्या, ये मैंने क्या किया? पता नहीं ते कहाँ पर होगी और उस जंगकुक ने देखो और देखो के साथ क्या किया होगा। कल उसकी शादी भी है, क्या पता वो कल कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। गूगल बाबा
लड़की को पटाने के तरीके बताइए, औकात से बाहर रिसर्च ना करें। कौन क्या कर रहा हूँ मैं, लड़की को पटाने के तरीके, और गूगल भी नहीं बता रहा। आखिर ऐसा क्या करूँ जिससे चिमन को मैं पटा लूँ और तेरे को वो कन्विंस कर ले कि वो जंगकुक के साथ फिर से पैचअप कर ले। पर मैं चिमन को कैसे पटाऊँ, कैसा क्या करूँ मैं? एक काम करता हूँ, मैं उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाता हूँ। लड़कियों को फ्री में शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो शायद जिमिन मुझसे थोड़ी बहुत ही सही पट जाए। इतनी सी पट जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। एक्सक्यूज मी, हमें रूम मिलेगा? जी सर, बिल्कुल मिलेगा। ये कौन है? आपको उससे मतलब है? आप प्लीज़ दो रूम दीजिए, एक इनके लिए और एक मेरे लिए। सॉरी मैम, पर हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है और सारे रूम पहले से ही बुक हो चुके हैं। क्या इतनी बड़ी होटल है और तुम्हारे पास दो रूम भी नहीं है? मैम ऑलरेडी सब बुक हो चुके हैं, आप लेट हो गए हो। नहीं चाहिए यहाँ पर हमें कोई रूम। चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम, बाहर इतनी बारिश हो रही है, कहाँ पर ढूंढेंगे होटल? और इन्होंने बोला ना कि सारे रूम पहले बुक हो चुके हैं और एक रूम मिल रहा है, तो हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे ना। मुझे आपके साथ कहीं भी एडजस्ट नहीं करना है, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें मैं तो। मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है। बहुत ही प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। वैसे मैंने सुना है जो आपस में जितना लड़ते हैं उन लोगों में उससे ज़्यादा प्यार होता है। आपकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। क्या वाइफ? देखिए आते बेबी, प्लीज चुप हो जाओ। वैसे सर ये रूम सिर्फ हम आपके लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी दो लोग आ चुके थे पर हमने उन्हें रूम नहीं दिया। पर क्यों? क्योंकि वो मैरिड नहीं थे और मुझे तो लगता था कि वो उल्टा सीधा करने के लिए होटल रूम पर रुकने वाले थे। और यहाँ पर एक्चुअली पुलिस भी आती रहती है, तो हम सिर्फ मैरिड लोगों को ही रूम देते हैं। और आपके पास तो ऑलरेडी एक बच्चा है, तो हमें आपके साथ कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक हमारा रूम ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मैं इसकी कोई पत्नी वत्नी नहीं हूँ। ते बाबू चुप हो जाओ। हाँ मैं तुम्हें कल शॉपिंग करवा दूँगा, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो। ये मैम कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई आपसे। हाँ एक्चुअली औरतों को हैंडल करना इजी बात नहीं है ना। चलो डार्लिंग हम चलते हैं, तुम थकी होगी। पर मुझे सच बताने दो, 106 ये रहा हमारा रूम। आप मेरी बात सुनिए, आपने उनसे झूठ क्यों बोला? मेरी माँ बाद में बात करेंगी, पहले तुम अंदर आओ। नहीं यहीं पर बात करनी है मुझे, पहले अंदर चलो। हाँ आप बोलो, क्या बात है? आपने झूठ क्यों बोला कि मैं आपकी वाइफ हूँ? तुमने सुना नहीं है क्या? थे मैनेजर ने क्या बोला, यहाँ पर सिर्फ मैरिड लोगों को अलाउ है। अगर हम बोल देते ना कि हम मैरिड नहीं है तो हमें अभी बारिश में भीगना पड़ता। कम से कम टिकू के बारे में तो सोचो। अच्छा एक काम करो, अपने कपड़े चेंज कर लो। तुम भीग गई हो और अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो टिकू को। हाँ हाँ समझ गई, पर मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। एक काम करो तुम वॉशरूम में जाओ, वहाँ पर जाकर कोई देख लो। एक काम करो तुम बाथरूम भी पहन लेना। क्या क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम भीग चुकी हो तो कुछ तो पहनना पड़ेगा ना खुद को बचाने के लिए। अब प्लीज़ तुम जल्दी से जाओ, उसके बाद मुझे भी जाना है। बेबी आपकी मम्मा इतनी खड़ूस क्यों है? हाँ वैसे भगवान जी थैंक यू सो मच, आज मेरे साथ बहुत अच्छा अच्छा हुआ। पहले मैं और मेरा बेबी और मेरी बच्चे की माँ हम पिकनिक पर आए, उसके बाद हमने गाना गाया और अब हम एक ही रूम में रहने वाले हैं और बाहर बारिश हो रही है। वाओ गॉड, लगता है आप मेरा पूरा साथ दे रहे हो। प्लीज़ ऐसे मेरा साथ देते रहना।
मेरी बच्चे की माँ को मेरी भाई बनवाने में मदद कर देना भगवान जी। क्यों देखो बेबी, आप भी मेरी मदद करोगे ना? ये भगवान, आखिर कहाँ फंसा दिया मुझे? 2 घंटे की बात हुई थी और ऊपर से बारिश आपने करवा दी और मुझे रूम में, एक ही रूम में इसके साथ रहना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी? और सुबह मेरी शादी है, मुझे जिन को मैसेज करके बताना होगा और यमिन भी परेशान हो रही होगी। और ऊपर से मुझे ये करना पड़ेगा इनके सामने, पता नहीं मुझे इतनी शाइनेस क्यों फील हो रही है। ते प्लीज़ जल्दी करो, मुझे भी आना है। अदर को देखो क्रो रहा है, उसे भूख लगी है, जल्दी से आओ बाहर। हाँ आ रही हूँ बेबी, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, आपकी मम्मा आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो। ते जल्दी आओ प्लीज़, देखो भूख के मारे रो रहा है, जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ। वैसे बेबी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम तीनों की एक फैमिली है और मैं और तुम्हारी मम्मा मैरिड है? बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। क्यों, बच्चा सही बोला ना मैंने? पर आप फिक्र मत करो, आपके डैड अब आपके साथ ही रहेंगे और आपकी मम्मा के साथ। ते प्लीज़ आओ ना। आज के लिए इतना ही, कैसा लगा पार्ट प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा नहीं भी लगता तो प्लीज़ बता दिया करो, अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। और मुझे 2 कमेंट भी आए थे, एक ने बोला था कि ये वेरी बैड स्टोरी और एक ने बोला था तुम और तुम्हारी स्टोरी दोनों चीपर है, बहुत फनी है।
मैंने उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो आप भी हाँ ऐसे मत बोलना कि चीपर या मतलब बता देना कि कैसी है और कैसे लगी मेरी आर्यन वाली वॉइस, अच्छी लगी?